हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर, जिसका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले सेक्शन ए खंड ए मिलता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के दो नंबर होते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं। साग शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों, आपको इसका अर्थ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब में, लेकिन इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं। साख शब्द का अर्थ है वस्तुओं के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या भुगतान करने के दायित्व का निपटारा मांग पर या एक निश्चित समय के बाद करने की एक विधि है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है निवल पूंजी अनुपात का सूत्र लिखिए, और तीसरा क्वेश्चन है किन्हीं दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखिए। दोस्तों, राष्ट्रीयकृत बैंक आपके पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही आपके राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और इसमें चौथा क्वेश्चन है आरबीआई और नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एवं नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है विभेदी ब्याज दर योजना क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर है कि विभेदी ब्याज दर योजना बैंक कमजोर वर्ग के समुदायों और उत्पादक और लाभकारी कार्यकलापों हेतु 4% वार्षिक के रियायती ब्याज दर पर 15,000 तक वित्त प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन ए हमारे 5 क्वेश्चन के साथ यहीं ख़त्म हो जाता है, और अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन होते हैं और 2 आपको करने होते हैं। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 2 करने होते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भूमि विकास बैंकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन और कार्यों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और जिनके आपको 5-5 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 3 के उत्तर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कृषि वित्त को परिभाषित कीजिए और कृषि साख का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, प्रबंध, पूंजी के स्रोत और कार्यों को लिखिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, उद्देश्यों और कार्यों को लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 12 कृषि व्यवसाय में प्रबंधन के अर्थ, महत्व और क्षेत्र को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका को समझाइए। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।